बहुत ही वंडरफुल टीम है, उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। वो चीज़ें अभी भी याद आती हैं, उनके साथ जो बिताया हुआ जो टाइम है और उनके काम करने का जो तरीका, बहुत ही वंडरफुल है गाइस। सो कौन सा गाना है वो गाना भी मैं आप लोग अभी देख सकते हैं। वो गाना जो है उनके छोटा सा एक क्लिप में मैं दिखाना चाहूँगा। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग वंस अगेन। एंड आई होप कि आप सब लोग सेफ हैं, हेल्दी हैं, घर पे हैं। राइट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आज मौसम बहुत प्यारा है। राइट, आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आज थोड़े से बादल हैं, शायद बारिश हो सकती है। फिलहाल एक या दो दिन पहले बारिश हुई थी गुवाहाटी में, वो भी शाम के वक्त थोड़ी सी हुई थी, देन आफ्टर रात को 1-2 बजे के आसपास, क्योंकि मैं मतलब लेट नाइट सोता हूँ आजकल, तो पता चल ही जाता है। सो गाइस, आप लोग बताइए कैसे हैं आप सब लोग। राइट, सो आज का ऐसा कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है कि जिसके बारे में मैं कुछ बात करूँगा। राइट, ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रेंडमली कुछ भी शूट किया जाए। घर ये ये फ़िलहाल ये मेरे घर की चार दीवारी है ये। राइट, मैं फ़िलहाल घर से कहीं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मैं घर के जो हमारे घर के जो प्रमाइसिस है, प्रमाइसिस के अंदर ही रह के जो भी मैं ब्लॉग जो है जो भी मैं शूट कर रहा हूँ। बिकॉज लंच अभी अभी किया है, तो थोड़ा बहुत वॉकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही ना घर में बैठे बैठे जो है पेट निकलते जा रहा है। सो इट्स बेटर कि थोड़ा बहुत वॉक अराउंड किया जाए। एंड बड़ा ही बोरिंग दिन है। राइट, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए आज। वैसे भी बाहर जो है मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। सोच रहा था अगर काश अगर ये अगर मतलब ये जो अगर सिचुएशन नहीं होता। राइट, सो प्रोबेबली आज क्या है, आज सैटरडे। राइट, ऑब्वियसली आज मैं ऑफिस में होता, बट हाँ अगर ये मौसम अगर कंटिन्यू अगर रहता है 1-2 दिन, और अगर पहले वाली जैसी अगर सिचुएशन होती, तो मैं शायद कल डेफिनेटली कहीं घूमने जाता। बट क्या करें भाई, मौसम जो है बहुत ख़तरनाक हो रखा है बाहर। बाहर जो है बादल छाए हुए हैं। राइट, एंड घूमने जाने का बड़ा मन कर रहा है, बट क्या करें दोस्तों, लगता है कि अब आने वाले जो कुछ दिन हैं, लगता है घर पे ऐसे ही बीतेंगे। ज़रा मैं अपने इस ट्राईपॉड स्टैंड को, सॉरी गाइस, थोड़ा सा ये आपको हिलता हुआ दिखाई देगा, और मैं शायद थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हुए नज़र आऊँगा। जी हाँ, सो क्या किया जाए गाइस, मैं आप लोग को एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। राइट, हमारे मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही एक फेमस डायरेक्टर हैं, और बहुत ही
वैसे बहुत सारे डायरेक्टर हैं राइट, अच्छे डायरेक्टर हैं जो कि अपने लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं राइट। उनमें से एक दो को मैं अच्छे से ज़्यादा अच्छे से मतलब जानता हूँ, एक है हेमंत खुमन और एक है के पी दास मोयरांग थीम राइट। दोनों ही अच्छे डायरेक्टर हैं। सो एक गाना है हेमंत खुमन का जो कि हमने पार्शियली कुछ दिल्ली में शूट किया था एंड कुछ जो है हमने आगरा मतलब ताजमहल में शूट किया था। बहुत ही वंडरफुल कहानी है उसके पीछे राइट। इवन मैं अवेयर नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है राइट। एक दिन पता चला कि वो लोग आने वाले हैं दिल्ली, सो फ़ोन पे ही बातें बातें हुई, आए दिल्ली वो लोग। उसमें जॉनी हमारे जो एक्टर हैं मणिपुरी एक्टर, उन्होंने उस एल्बम में जो है वीडियो सॉन्ग में जो है काम किया है एंड आई एम सो सॉरी। जो एक्ट्रेस जो है जो फीमेल आर्टिस्ट है उनका नाम मेरे को अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। बहुत ही वंडरफुल कहानी है। उनकी जो टीम है हेमंत कुमार की टीम, जिसे आई होप कि आप लोग मणिपुरी जो मेरे व्यूअर्स हैं आप लोग जानते हैं H360 राइट। सो बहुत ही वंडरफुल टीम है उनकी एंड आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस H360 की, उनका खुद का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है जिन पे वो अपने काम उन पे जो भी उनके खुद के जो वीडियो सॉन्ग जो होते हैं वो अपलोड करते हैं। जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन जो है लिंक में ज़रूर दे दूँगा राइट। सो बहुत ही वंडरफुल टीम है, उनके साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगा। वो चीज़ें अभी भी याद आती हैं राइट, उनके साथ जो बिताया हुआ जो टाइम है और उनके काम करने का जो तरीका बहुत ही वंडरफुल है गाइस। सो कौन सा गाना है वो गाना भी मैं आप लोग अभी देख सकते हैं। वो गाना जो है उनके छोटा सा एक क्लिपिंग में दिखाना चाहूँगा इनफैक्ट। प्यास लगी है यार, जरा पानी पी के आए। दिल जिगर में है सबका, यूं तो है तू नन ही परी। दिल जिगर आप लोगों को शायद मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ इनफैक्ट। हाँ इनफैक्ट मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, एक मिनट। मचिन थी नू नंग मचिन थी रे दो लव जगन ही ना ऑफिस ही कहाँ का। ये मेरी मम्मी है राइट, ये मेरी मम्मी है। सो हाय तो ना मतलब खुद हाय हुआ, खुद हाय हुआ। बस बस मेरी मम्मी ना ये देखो 24 घंटे ना बस न्यूज़ देखती रहती है बस। सो गाइस पानी पीना जो है ख़त्म हो चुका है, मम्मी के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है। एक्चुअली राइट एक बाइक लेने का प्लान है राइट। कौन सा बाइक लेंगे अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। वेल मेरा तो प्लान है कि यार कि यामा R15 लिया जाए, बट फिर सोचता हूँ यार अगर मैं वो लेता हूँ यामा R15 तो शायद कभी भी बाहर अगर आना जाना होता है तो मेरी वाइफ और बच्चे जो है पीछे बैठ नहीं पाएंगे, अनकंफर्टेबल फील करेंगे वो लोग। सो मौसम बहुत ही प्यारा है गाइस, शायद मोबाइल में आपको दिखे ना क्लियर, बट टेल मी अगर जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं व्यूअर्स हैं जो लोग स्पेशली गुवाहाटी से हैं
राइट। आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो है मौसम जो है आप लोग को पता ही चल गया होगा कि कैसा मौसम है आज। सो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ काइंडली पूरा वीडियो पूरा देखें, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और लाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। आप अपने आस पास स्वच्छता बनाए रखें, सफाई बनाए रखें, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, नमस्कार भारत।